मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की पिपला मंडी की कृषि उपज मंडी लहसुन मंडी के नाम से प्रदेशों में सफेद सोने के नाम से विख्यात मानी जाती है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से हजारों किसान लहसुन प्याज किराना सहित कई प्रकार की उपज लेकर मंडी के यहाँ पहुँचते हैं। वहीं मंडी परिसर में चूलावटियों द्वारा टोल काटो पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काम करने की सूचना मिलने पर मल्हारगढ़ SDM रोशनी पाटीदार के निर्देश पर संजीत नायक तहसीलदार राकेश कुमार यादव क्षेत्रीय पटवारी दिग्विजय सिंह चुंडावट मय बल के साथ उपज मंडी पहुंचे और मंडी टोल काटो का निरीक्षण कर दस्तावेज की जांच की। वहीं इस दौरान कई टोल तुलावटियों के पास दस्तावेजों की कमी पाई गई तो कई टोल काटे खाली पाए गए। ये कृषि उपज मंडी पिपलिया मंडी से शिकायतें आई थी कि यहाँ पे तौल काटे में जिनके पास लाइसेंस नहीं वह व्यक्ति भी आके तौल कर रहे हैं। उस संबंध में औचक निरीक्षण किया गया। SDM महोदय के निर्देशानुसार हमने तौल काटे भी चेक किए, इसके अलावा उनके लाइसेंस चेक किए, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए और उनका मंडी में जो लाइसेंस सूची है उससे मिलान किए। 82 लाइसेंस की सूची है यहाँ पर जिनका निरीक्षण किए तो तौल काटे वाले तो लाइसेंस ही थे लेकिन किसी के पास में आइडेंटिटी कार्ड नहीं था और उसके लिए जो यहाँ सुरक्षा अधिकारी है उनसे बात करके उनको वेरीफाई किया गया और निर्देशित भी किया गया कि सभी को निर्देश दिया जाए भविष्य में सभी अपने आइडेंटिटी कार्ड भी हमेशा साथ में रखें। नहीं, अभी फिलहाल तो हमारे द्वारा चेक किया गया, इस समय तो नहीं पाया गया। ये भविष्य में पाया जाता है तो मंडी के जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। मंदसौर से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।